तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और अपने डिवाइस में यहाँ पे जो है मल्टी यूजर फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो एक्स्ट्रा अकाउंट जो है आपने जो क्रिएट किए हैं उन अकाउंट्स को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे कई सारे अकाउंट्स आप देख सकते बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट को कैसे रिमूव करना है इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर जो है मैंने सोचा था कई पहले टाइम से जो है वीडियो बनाने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वीडियो नहीं बन पाई थी। बट फिलहाल से अभी के समय में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है मल्टी यूजर फंक्शन में जो यहाँ पे अकाउंट है उसको कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे मल्टी यूजर फंक्शन को जो है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अकाउंट बने हुए हैं उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस के जो है फंक्शन को ओपन कर लेना है, जो कि मल्टी यूजर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस मोर वाले ऑप्शन पे जो है टैप कर देना है। जैसे आप मोर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके दिए गए जितने भी अकाउंट आपने जो क्रिएट किए होंगे उस अकाउंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे गेस्ट बी है, गेस्ट सी है, न्यू यूजर है एंड गेस्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए इन अकाउंट्स में से आपको किसी भी एक अकाउंट को जो है रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे मिला हुआ है गेस्ट बी का एक ऑप्शन, ठीक है। या किसी भी अकाउंट को अगर आपको डिलीट करना है तो आपको सिंपली उस अकाउंट पे जो प्रेस कर देना है, ठीक है। जिसमें सी वाले ऑप्शन को जो है डिलीट करने वाला हूँ। जैसे हम इस सेटिंग बार को यहाँ पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डिलीट यूजर, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या होगा, इस डिलीट यूजर पे सिंपली टैप करना है, नीचे एक साइड मिलता है डिलीट ऑप्शन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने उस अकाउंट में कितना भी डेटा क्यों ना कैरी किया हो, वो सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका वो जो अकाउंट वो अगर डिलीट होता है तो आपका पूरा डेटा भी डिलीट हो जाएगा, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड की होगी वो भी डिलीट होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे आपका डेटा सिर्फ उस अकाउंट का जो है डिलीट होने वाला है, जो आप यहाँ पे जिस यहाँ पे अकाउंट को आप रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं, जैसे हम रिमूव पे क्लिक करते हैं तो नीचे एक पॉपअप भी दे रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका डाटा जो है बिल्कुल डिलीट हो जाएगा यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे मतलब मेरा कुछ डेटा था नहीं, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं आप चार ही अकाउंट बच गए। इसी तरीके से हम बी वाले ऑप्शन को भी जो है डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये फालतू अकाउंट बन गए थे। और यहाँ पे कई भाइयों को कमेंट भी आ रहा था कि भाई कैसे डिलीट करना है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो अकाउंट आपके सामने जो है डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका मेन अकाउंट ये है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का है, ठीक है, जो कि ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे ये रन कर रहा है। बाकी न्यू यूजर पे जो है इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। एंड यहाँ से ऐड करना है तो यहाँ से भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू यूजर मिल जाता है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप जो है नए अकाउंट में नए फंक्शन जो है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिमूव करना है अकाउंट्स को, इस तरीके से जो है आप रिमूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पूरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।